अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के अब वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे पिछले कार्यकाल में, जो ओबीसी मोर्चा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी के रहे हैं, और आपका बहुत लंबा अनुभव है और आज भाजपा परिवार के हिस्सा बने हैं, मैं आदरणीय दारा सिंह जी से ही निवेदन करता हूं कि वह अपनी बात को यहां पर रखने का कष्ट करें। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में आज आपने हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, हमारे दूसरे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच में मंत्री द्वय माननीय औलख जी, अजय गिरीश चंद यादव जी, संकट के महामंत्री भाई संजय राय जी, हमारे दूसरे संगठन महामंत्री महामंत्री पार्टी गोविंद शुक्ला जी, और हमारे बीच में हरनारायण राजभर जी पूर्व सांसद रहे घोसी से, और भी हमारे बहुत नरेंद्र कश्यप जी भी आए हैं, शरद नागर जी सांसद जी आए हैं, सब बहुत काफी लोग हैं, लोग बैठे हैं, और हमारे बीच में पूरे प्रदेश से, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से आए हुए मेरे पास सबका नाम है, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चाहे जौनपुर हो, चाहे बाग सिंह चौहान हो, हरदेवपुर से लालता जी हो, देवेंद्र चौहान जी हो, गोरखपुर से जोगिंदर चौहान जी हो, वहाँ से कुशीनगर से महात्म जी हो, आपके संतराम जी हो, फतेहपुर से आपके फरुखाबाद से बीपी सिंह चौहान हो, दिनेश हो, संजय सिकार, सबका मैं जानता हूँ, संजय तो सब लोग यहाँ पे आए, लखीमपुर खीरी से बारामूकी से राम सिंह, सब मेरे पास सामने नाम है, नाम लूंगा तो बड़ा लेट होगा, इसलिए जितने भी और भी हमारे जितने भी समर्थक साथी सहयोगी आज मेरे साथ इस मौके पे मौजूद है, मैं उनका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने पत्रकार भाइयों को भी काफी आपको भी परेशानी हो, बहुत सारे सवालों को पूछने में मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ आज जो अवसर मुझे प्राप्त हो पाया है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज जिनके नेतृत्व में केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो शक्तिशाली मुल्क हैं, जिनके पीछे आज चहलकदमी के लिए परेशान है चलने के लिए, ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और उस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिनके मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, और सभी
के बीच नाते आज मुझे अवसर प्राप्त हो पाया है। मैं अपनी तरफ से, अपने समर्थकों के साथियों की तरफ से आप सभी लोगों का, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज मैं कह सकता हूँ जिस तरीके का कोलाहल आज पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की हलचल पूरे पूर्वांचल में है, मैं कह सकता हूँ आने वाला 24 का चुनाव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के कार्यकुशलता में आज आगे बढ़ रहा है, जो भरोसा मुझे है, उस भरोसे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि आने वाले 24 में हिंदुस्तान के 12 मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत रुक नहीं सकती। और मैं कहने रहा हूँ, आप खुद हमारे पत्रकार साथियों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये दुनिया की कोई ताकत रुक नहीं पाएगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री। और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, जन कल्याण का काम, गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के मैं सिपाही के रूप में आज मेरे घर वापसी हुई है। एक के कार्यकर्ता सिपाही बनकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक एक लोकसभा जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। जितने लोग यहाँ बैठे पत्रकार भाई भी, आप लोग भी, बखूबी में जानता हूँ, आप लोग जमीन से जुड़े हुए, जमीनी सच्चाई को जानते हैं। आज आंकड़ा लगा दीजिए, पूर्वांचल में एक भी सीट बता दीजिए, एक भी सीट। और एक सीट की बात में जाता हूँ जो आजमगढ़ का है, जिसपे लोग कहते शायद वो लड़ाई में रहे, लड़ाई में नहीं, भारी बहुमत से वहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 5-6 सीट जहाँ पे केवल दूसरी पार्टी लड़ने के लिए दिखाई देती है, बाकी उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं जीतने वाली। 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में 24 आएगी और आगे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसलिए साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए आप तमाम साथियों का फिर आपसे बात की बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, जिस तरीके से प्रदेश में चतुर्थी विकास हो रहा है, हम उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है, जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने दुनिया में इस देश का सम्मान बढ़ा है, कहने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी की इज्जत, मोदी जी की ताकत केवल देश की धरती पे नहीं बल्कि आसमान पर भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 को आपने देखा कि जो कक्ष में जहां प्रक्षेपण हुआ है, प्रक्षेपण के बाद, और ये नहीं, शायद दुनिया का चौथा मुल्क तो बनेगा, और जिस स्थान पे स्थापित होने वाला है, शायद हिंदुस्तान दुनिया का पहला नंबर पर पहुंचने वाला है। इसलिए आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए, बधाई देते हुए, क्या आज के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आज पूरे प्रदेश के यहाँ पे लोग आए हैं, सब संकल्प लेके जाएंगे कि जब तक 24 में तिबारा माननीय प्रधानमंत्री को, तिबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बना लेंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं। मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए, आजकल अपने पत्रकार भाइयों से भी मैं क्षमा चाहता हूँ, काफी आपने जद्दोजहद किया बहुत सारी चीजें जानने के लिए, फिर मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बातों को मैं कहूंगा। धन्यवाद। अब मैं अपने